नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ फिर से आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिषेक। मेरे हिंदी वीडियो को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी लोगों ने उसको देखा, उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डीप लव इंडिकेशन की, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो मेरे पास आते हैं या क्वेरी जिसे आप लोग बोलते हैं, वो ज़्यादातर लव मैटर्स के होते हैं। तो उसी पर मैंने आज एक सोचा कि आपको डीप लव के बारे में बताऊं। कई बार लोग कहते हैं कि फलाना पर्सन मुझे प्यार करता है कि नहीं करता, तो मेरी कोशिश यही है कि आप इस वीडियो के माध्यम से खुद से जज कर पाएं कि डीप लव इंडिकेशंस कहाँ पर आपको आपके वुड बी के हाथ में दिख रही हैं। तो शुरुआत करते हैं क्लास की। यह है एक जनरल पाम जो मैं हमेशा लेता हूँ, चलिए मार्किंग करते हैं। प्राय आप सभी जानते हैं कि जो हमारी मैरिज लाइन होती है वो हमारी ये होती है, सबसे छोटी उंगली के पास। यहीं पर वो इंडिकेशन भी आपको मिलती है जिस इंडिकेशन की मैंने बात वीडियो की शुरुआत में की थी। अगर आपकी मैरिज लाइन पतली है, मैं इसके साथ एक लाइन और बना देता हूँ, अगर वो पतली है और बाद में जाकर वो चौड़ी हो रही है इस तरह से, या गहरी रंग की हो रही है, रंग कम है शुरू में, उसके बाद वो गहरे रंग में हो रही है, साथ साथ वो डार्क होती चली जा रही है, तो ये दिखाता है कि आपका जो आपकी जो पत्नी है या आपके जो पति हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनका प्यार शायद शुरुआत में ऐसा ना रहा हो, लेकिन धीरे 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 आपके प्रति उनका लगाव बढ़ता चला गया है। इसके साथ साथ एक इंडिकेशंस और भी होती हैं जो डीप लव की नहीं होती, जो इसके विपरीत होती हैं। अगर आपकी मैरिज लाइन के पास कोई क्रॉस है, या वो या क्रॉस उसके ऊपर आ रहा है मैरिज लाइन के ऊपर या मैरिज लाइन के बाद, तो वो दिखाता है कि आपके जो प्रेम प्रसंग होंगे, जो आपके लव मैटर्स होंगे, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी और बहुत ही कम चांसेस होंगे कि वो कन्वर्ट हों। लेकिन इसके साथ साथ हमें और भी चीज़ें हम देखते हैं कि यही सिर्फ एक इंडिकेशंस नहीं है कि लव मैटर्स में प्रॉब्लम्स हैं, और भी चीज़ें हमारे साथ हम देखते हैं, फिर उसके हम उपाय भी हम आप लोगों को बताते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411848508। अभी ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप पर ही चल रहा है, क्योंकि इस नंबर में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, सिम में कुछ प्रॉब्लम है मेरे, दैट्स वाई वो चल नहीं रहा है, फ़ोन रिंग नहीं कर रहा है। लेकिन जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू, बल्कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग मेल पर ज़्यादा कांटेक्ट करें मुझसे, क्योंकि ये नंबर में प्रॉब्लम है। बाकी मेरी वेबसाइट्स भी आप देख सकते हैं, abhishekbhatnagar.in, astrologyjunction.com, और मेरा फेसबुक का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उन सभी की डिटेल्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक बात और यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जितना भी एनालिसिस पर्सनल रूप से कराया जाएगा, उसके लिए आप सभी को फीस देनी होगी, फ्री वो नहीं है। कुछ वीडियोस में मेरे फ्री लिखा गया है, लेकिन वो उस समय जब वो वीडियोस बनाए गए थे तब वो फ्री था, कुछ टाइम के लिए फ्री रखा गया था, लेकिन आने वाले जितने भी एनालिसिस हैं या अब जो भी एनालिसिस हैं वो फ्री नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी भावनाओं को समझे होंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें।